नमस्कार दोस्तों, आधार कार्ड हो जाएगा बेकार। 1 जून से मोदी सरकार ला रही है नई वर्चुअल आईडी। रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रिचुरिच और नई अपडेट के लिए बेल पर प्रेस करें। आधार कार्ड हो जाएगा बेकार। 1 जून से मोदी सरकार ला रही है नई वर्चुअल आईडी। UIDAI यूजर्स को हर आधार का एक वर्चुअल आईडी तैयार करने का मौका देगी। आधार के मिसयूज की खबरों के आने के बाद सरकार ने भी आधार वर्चुअल आईडी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। यह सब आधार की सेफ्टी को मजबूत करने के लिए है। आधार डाटा लीक होने की खबरों के बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने इसमें कुछ और बदलाव करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने वर्चुअल आईडी की शुरुआत करने का फैसला किया है। अब कई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर नहीं देना होगा। आधार के मिसयूज की खबरों के आने के बाद सरकार ने भी आधार वर्चुअल आईडी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। यह सब आधार के सेफ्टी को मजबूत करने के लिए है। लेकिन क्या आपको पता है कि आधार वर्चुअल आईडी क्या होती है, इसका फायदा क्या होगा, आम जनता इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएगी और कैसे ये नई आईडी जनरेट होगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये आधार से कैसे अलग है। आधार वर्चुअल आईडी एक तरह का टेम्परेरी नंबर है। यह 16 अंकों का नंबर होता है। अगर इसे आधार का क्लोन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसमें कुछ ही डिटेल होंगी। UIDAI यूजर्स को हर आधार का एक वर्चुअल आईडी तैयार करने का मौका देगी। अगर किसी को कहीं अपने आधार की डिटेल देनी है तो वह 12 अंकों के आधार नंबर की जगह पर 16 अंकों का वर्चुअल आईडी दे सकता है। वर्चुअल आईडी जनरेट करने की सुविधा 1 जून से अनिवार्य हो जाएगी। आधार वर्चुअल आईडी को UIDAI के पोर्टल से जनरेट किया जा सकता है। यह एक डिजिटल आईडी होगी। आधार होल्डर इसे कई बार जनरेट कर सकता है। मौजूदा समय में भी आईडी सिर्फ 1 दिन के लिए ही वैलिड होती है। इसका मतलब हुआ कि वर्चुअल आईडी को फिर से जनरेट कर सकता है। इसे सिर्फ UIDAI की वेबसाइट से ही जनरेट किया जा सकता है। BID जनरेट करने के लिए UID के होम पेज पर अपना आधार नंबर डालें। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालें और सेंड OTP पर क्लिक कर दें। जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार रजिस्टर्ड होगा वहीं आपको OTP भेजा जाएगा। OTP डालने के बाद आपको नई BID जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जब यह जनरेट हो जाएगी तो आपके मोबाइल नंबर पर आपकी वर्चुअल आईडी भेज दी जाएगी, यानी 16 अंकों का नंबर भेज दिया जाएगा। यह आपको सत्यापन के समय आधार नंबर को साझा नहीं करने का विकल्प देगी। वर्चुअल आईडी से नाम, पता और फोटोग्राफ जैसी कई चीजों का वेरिफिकेशन हो सकेगा। कोई यूजर जितनी चाहे उतनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकेगा। पुरानी आईडी अपने आप कैंसिल हो जाएगी। UIDAI के मुताबिक अधिकृत एजेंसियों को आधार कार्ड होल्डर की ओर से वर्चुअल आईडी जनरेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद।